आप सभी का स्वागत है एक प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जहां पे नॉलेज एनरिचमेंट की बात होती है और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होता है। मैं आज बात कर रहा हूं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला की। मैं विजय ठाकरे यहां पे आपको आज बताने वाला हूं प्यार के लिए, जहां पे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया शाहजहां के द्वारा, उसका नाम है ताजमहल। तो मुमताज के लिए बनाया गया यह ताजमहल और उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कब बनाया गया, कैसे बनाया, कहां से मटेरियल लाया गया, ये जो नक्काशियां की गई किस तरीके से की गई, ये सारी बातें हम लोग आज यहां पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए भाई, तो ताजमहल जैसा कि आपको आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि ये स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार इतना बड़ा व्हाइट स्ट्रक्चर आगरा में एस्टैब्लिश है और इसको हमें देखना ही चाहिए, क्योंकि सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में ये एक खास अपनी पहचान बना चुका है। तो सिंबल ऑफ लव कहते हैं हम लोग, या एपिटमी ऑफ लव कहते हैं, जो कि एक मुगल एम्परर शाहजहां ने बनवाया था मुमताज महल के लिए, जो कि जिनकी की डेथ हो गई थी ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। तो ये बड़े दुखद बात है, बट यहां पे कहीं ना कहीं उनकी याद में ताजमहल बना, ये भी एक अच्छी बात है। आर्किटेक्चरल मार्वल की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो एग्जाम्पल है मुगल आर्किटेक्चर, जिसमें कि कहीं ना कहीं पर्शियन, इस्लामिक, टर्किश एंड इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ इंडियन आर्किटेक्चर नहीं है, यहाँ पे पर्शिया के भी जो बहुत होनार आर्किटेक्चर्स थे उन लोगों ने अपनी यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन करी है। इस्लामिक जो भी स्ट्रक्चर हुआ करते थे उन सारी चीजों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिखता है। टर्किश, टर्की के भी सारे जो भी आर्किटेक्ट वो सारे के सारे यहां पे अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। इवन इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल, क्योंकि इंडिया में एस्टैब्लिश होता है वो तो होगा ही होगा, मगर फॉरेनर जो फॉरेन से आने वाले आर्टिस्ट थे उनका भी बहुत हैवी कंट्रीब्यूशन दोस्तों यहां पे था। तो क्या था, कैसे थे, अगर हम लोग इसकी बात करें तो कंस्ट्रक्शन ताजमहल का जो है 1632 में लगभग ये स्टार्ट हो चुका था। लगभग इसको 20 साल लग गए कंप्लीट होने में और लगभग कहा जाता है यहां पे कि 20,000 आर्टिजंस की जरूरत पड़ी इसमें, along with the craftsmen, laborers, और मुगल एम्पायर का बहुत बड़ा एक पैसा जो है वो कहीं ना कहीं ताजमहल को बनाने में भी लगाया गया। बट पैसे की तो कोई कमी नहीं थी उस समय, तो ये तो कोई मुद्दा ही नहीं हुआ यहाँ पे भाई, एम्परर के पास पैसे की कैसी कमी। मटेरियल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ताजमहल में जो व्हाइट मार्बल लगाया गया है वो आगरा या यूपी का नहीं है, ये पूरा जो मार्बल है वो है राजस्थान का मकराना क्वारीज का यूज किया गया है इसमें पूरा। तो उसकी क्वालिटी देखेंगे तो आप बहुत ज्यादा फाइन मार्बल है और उस समय तो बहुत ज्यादा मशीन्स भी नहीं हुआ करती थी, बट मकराना का इतना फाइन मार्बल लगाया गया है ताजमहल में, ऐसा लगता है कि पूरी व्हाइटिश एरिया बनाने वाला वो ताजमहल है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, उस समय ट्रांसपोर्ट तो हुआ नहीं करता था, तो कार्ड्स के थ्रू और एलिफेंट्स के हेल्प के थ्रू इतना सारा मार्बल जो है राजस्थान से लाया गया यूपी, उत्तर प्रदेश की आगरा नामक जगह पे। बात करें हम लोग डिजाइन और लेआउट की, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है ताजमहल का। यहाँ पे ताजमहल जो है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में बनाया गया, बट ये सिमेट्रिकल पूरा का पूरा शेप में है। और अगर हम लोग बात करें इसमें तो गार्डन है, रिफ्लेक्टिंग पूल्स है, कहीं ना कहीं पानी से रिफ्लेक्शन जो होता है उससे और भी ज्यादा फ्लरिश कर देता है ये ताजमहल की ब्यूटी को। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो गेटवेज भी बहुत सारे, सिंगल गेट नहीं है, मल्टीपल गेट्स है यहाँ पे, इसको परफेक्ट हार्मनी के लिए भी कहीं ना कहीं क्रिएट किया गया था। इस तरीके के सबसे बड़े स्ट्रक्चर में आता है हमारा ताजमहल। तो ताजमहल में डोम्स और मिनारेट्स का भी कॉम्बिनेशन था। डोम तो आपको पता है ना कि इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसको डोम कहा जाता है। तो अगर हम लोग बात करें कि ताजमहल का जो सेंट्रल डोम था वो लगभग जो अप्रॉक्सीमेटली हाइट है उसकी 73 मीटर है, लगभग 240 फीट, जो कि सराउंडेड बाय, मतलब कि उसके अगल बगल की अगर हम लोग बॉर्डर्स की बात करें तो देखिए भाई, ताजमहल आपको क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है, तो ताजमहल की ये वाली जो हाइट है वो हो गई यहाँ पे 73 मीटर्स, और अगर बात करें हम लोग तो 240 फीट, जो कि सराउंडेड है चार स्मॉलर डोम छतरी से। ये देखिए आपको डोम छतरी दिख रही है यहां पे, चार डोम छतरियों से अगल बगल से ये घेरा हुआ गया है। इसके अलावा यहाँ पे 4 मिनारेट्स है। अगर ये मिनारेट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये हर एक कॉर्नर से बाहर की तरफ हल्की सी टिल्टेड है, मतलब अगर अर्थक्वेक भी आ गया तो ये मिनारेट्स ताजमहल के ऊपर नहीं गिरेगी, ये बाहर गिरेगे। अब ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पे ये जो पूल बना गया है, ये जो पूल है भाई, देखिए स्विमिंग का पूल तो नहीं है ये, मगर ये नॉर्मल पूल है जहां पे पूरा 100% रिफ्लेक्शन ताजमहल का दिख रहा है। तो वहां के उस समय के लोगों की सोच देखिए कितनी ब्रॉड होगी भाई, क्या क्या वो बेहतर से बेहतर यहां पे सोच पाते होंगे भाई।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे ताजमहल के बारे में हम लोग बात करें कि इनले वर्क किस तरीके से किया गया था, इसका बेस कैसे बनाया गया था। दोस्तों द ताजमहल इज अडॉर्न्ड विद इंट्रिकेट इनले वर्क यूजिंग सेमी प्रेशियस स्टोन्स। यहाँ पे सेमी प्रेशियस स्टोन्स का यूज किया गया था भैया बहुत सारी जगह पे। तो ये बहुत खूबसूरत क्यों है भाई, क्योंकि अलग अलग तरीके के पत्थरों की नक्काशियां वहां देखने को मिलती है, जैसे कि जैस्पर जेड, टर्क्विज, लैपिस लाजुली एंड ऑनेक्स। दीस स्टोन्स वर कार्व्ड एंड सेट into marble to create delicate फ्लोरल मोटिव्स, इसीलिए वो फ्लोरल मोटिव्स मतलब कि बहुत सारे अच्छे फूल पत्तियों का कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत अच्छी कैलीग्राफी देखने को मिलती है, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी जो है दोस्तों यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में ताजमहल को लिया गया था। बट प्रॉब्लम यह आ रही है कि इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं आगरा जैसे शहर में अच्छा खासा पॉल्यूशन हो रहा है अब। तो इसके कलर में थोड़ा बहुत क्या हो रहा है भाई, चेंज हो रहा है। तो कलर चेंज हो रहा है तो व्हाइट से चला जा रहा है वो लगभग सॉफ्ट पिंकिश कलर में, जो कि कहीं ना कहीं डार्जलिंग व्हाइट और मिड डे सन में कुछ अलग तरीके से दिखता है, और स्टार्टिंग में कुछ ये अलग तरीके से दिखता है। मतलब मिड डे सन में ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेल कलर, थोड़ा सा डल कलर दिखेगा, और ये कहीं ना कहीं गोल्डन ग्लो करेगा सनसेट के टाइम पे। दिस इफेक्ट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट ऑन द मार्बल सर्फेसेस। और ये जो कलर चेंज है ये अपने आप नहीं हो रहा, मार्बल सर्फेसेस पे सनलाइट के पड़ने के कारण रिफ्लेक्शन जो है वो अलग अलग तरीके से होते हैं। ये देखिए आपको अब गोल्डन स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा, मतलब ये शाम के समय और सुबह देखेंगे तो ये बिल्कुल चमकता हुआ सॉफ्ट पिंकिश कलर का दिखेगा। तो ये अलग अलग कलर मार्बल के रिफ्लेक्शन के कारण होते हैं, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी कंसीडर किया गया है। द कलर ऑफ ताजमहल अपीयर्स टू चेंज थ्रू आउट द डे फ्रॉम सॉफ्ट पिंकिश ह्यू टू द डार्जलिंग व्हाइट मिड डे इन अ गोल्डन ग्लो एट द सनसेट। दिस इफेक्ट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट ऑन द मार्बल सर्फेसेस। तो आपको याद रखना है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिया गया है, इसी के कारण कहीं ना कहीं टूरिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा से ज्यादा यहां पे अट्रैक्ट होते हैं। तो यहां पे मिलियन ऑफ विजिटर्स जो है साल भर के अंदर आता है और ताजमहल की वाह वाह करने से नहीं थकते हैं। तो इसी तरीके की इंफॉर्मेशन ताजमहल की हम लोगों को मिल चुकी है, समझ में आ गया है कि ताजमहल किसने बनवाया, क्यों बनवाया और क्या क्या चीजें उसमें लगाई गई है। तो ऐसे फैक्ट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, करना है एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।